वर्ल्ड कैंसर केयर की तरफ से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व के संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के साथ कैंसर जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में वर्ल्ड कैंसर केयर के डॉक्टरों की टीम की तरफ से 400 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। कैंप में जांच के लिए आए हुए लोगों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर के प्रबंध भी किए गए। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई जगीर सिंह, भाई मनदीप सिंह, बाबा उज्जल सिंह, भाई हरजिंदर सिंह, भाई गुरदित सिंह, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर मानस, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर रमन, पूजा माही, जसप्रीत, कोमल, प्रदीप, नेहा आदि उपस्थित थे। कैंप है गुरुद्वारा साहिब रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला के लाया गया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों काफ़ी लंबे समय तो यदि जी डिमांड की जा रही थी उस डिमांड मुख रखते हुए वर्ल्ड कैंसर केयर टीम इतने अपनी 4 बसा लैके पहुंची हुई है और ये वक् वक् जी जांच की जी सहूलत दी जा रही जिस छाती की कैंसर वास्ते मैमोग्राफी कर रहे हैं जी, बच्चेदाने की जाँच कर रहे हैं, गदूदा की जाँच कर रहे हैं, इस तो अलावा ब्लड कैंसर की जाँच की जा रही है, हड्डियों की जाँच की जा रही है, मुँह के गले की जाँच की जा रही है, दवाइया का खुला लंगर जो चल रहा है, कैंसर बारे लोगों से लिटरेचर वंडिया जा रहा है, लोगों को लैक्चर दिए जा रहे हैं, लोगों को वीडियो दिखाई जा रही है। जो वर्ल्ड कैंसर केयर का मकसद यही है कि तंदुरुस्त लोगों को चैक किया जाए, उन्होंने को लक्षण पूछे जाने ताकि कैंसर को समारी नहीं पछाणिया जाए ताकि वड्डी बीमारी ना बन सके। देखो जी हुण तक अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब लोग जिहड़े पहुँच चुके गए हैं, डॉक्टरों वालों जिहड़ा मुआयने करके उन्होंने जिहड़े सैंपल लए जा रहे अलग अलग, जिहड़ी रिपोर्टिंग है अप्रोक्सीमेटली 10 दिन बाद आउंदी है, तो अजे असीं सैंपल ही प्रिजर्व कर रहे हैं, आने वाले समय से यहाँ भी जो आंकड़ा असीं तुहानूं दस्सांगे। देखो जी वर्ल्ड कैंसर केयर है यदा जो संदेश यह होंगे कि तंदुरुस्त लोग सामने आने और अपना चैकअप कराने, असं उस स्टेज का कैंसर लभद हैं जो बिल्कुल पहलों या शुरुआती होंगे, वो केवल 10-20 हज़ार में ठीक हो जाता, बड़े उस पैसों की लड़ नहीं होंगी क्योंकि बंदा तंदुरुस्त होंगे उसके लक्षण बन रहा होंगे, अजे कैंसर पूरी तरह डिवेलप नहीं होया होंगे, असं बस वो कंस जो लक्षण ठीक करना होंगे वास्ते बड़े हस्पताल ने जलंधर भी है, बाकी जी कोई फाइनैशियली किसी इशू है तो पंजाब गवर्नमेंट जो 1.5 लाख का फंड भी देती है कैंसर के इलाज वास्ते, वास्ते हर वर्ग का जो व्यक्ति वो जो ले सकता है, सिर्फ एक गवर्नमेंट इंप्लाई को छड़ के वो सारे वर्ग वास्ते होंगे, इस तो अलावा जो आयुष्मान कार्ड है वो भी चलता है 5 लाख वाला, वो भी एक सहूलत हैगी है, सो ये सारिया सहूलत सरकार वालों दी जा रही हैं और वर्ल्ड कैंसर केयर जी है समय समय सिर लोगों को फॉलोअप भी करती रही है, गाइड करती रही है कितने जाना है, किहड़े डॉक्टर सही है, किन्ना थावां ते बिल्कुल फ्री हो रहा है, किहड़ियां सहूलत सरकार दे रही, सारे वास्ते जी वर्ल्ड कैंसर केयर वचनबद्ध होंगी है। देखो जी 3 चीज़ां बहुत जरूरी ने, असी बार बार लोगों को दसदे हां, सुधारन की लोड़, एक साडा खाण पीन है जिहड़ा बुरी तरह विगड़ चुकिया हैगा, नंबर एक तो तुसी ऑरगैनिक की पछाण करनी सीखो, जो सानू मौसम के हिसाब नाल सब्जियां फल फ्रूट मिल रहे हैं उसके हिसाब ने सानू उन्हां दा सेवन करना चाहिए, अगर इन्हां दिनां दे विच अगर सानू कद्दू आ रहा तो उहदी वस्तु जिहड़ी है वरतों करनी चाहिए, जे सानू नेचर सानू जामुन दे रही है तो बड़ा ही वधिया जिहड़ा विटामिन जिहड़ा साडी जिहड़ी मास दी ग्रोथ नूं बढ़न तों रोकदा उहदा सेवन करना चाहिए, सो मौसम दा फल फ्रूट जिहड़ा है ना वो लैणा चाहिए, इस तों इलावा खाण पीण सुधारो आपदा, असीं बार बार यही अपील करदे हां, वध तों जो भी खाने तुसीं चबा के चंगी तरह खाओ, उहनूं 3 टाइम का खाना है, सवेरे वध खाना है, दुपहरे जिन्नी भुख उन्ने खाना है, रात नूं जिन्नी भुख है उस तों अद्धा खाना है, पानी की मात्रा जी पूरी होनी चाहिए है ताकि पानी डिहाइड्रेशन जो कई बड़ी बीमारियों का कारण हैगा, इस तो अलावा साड़ी एक्सरसाइज है वो तुसी रोज़ कोई ना कोई वर्क अपना वर्कआउट करो, अद्धा घंटा सीर वास्ते कढ़ो, पसीना आना बहुत ही जरूरी है तुहाडी एक्सरसाइज के नाल, इस तो अलावा स्ट्रैस जी बिगेस्ट किलर हैगी है उन्हों भी घटाओ, अपना प्रैक्टिकल जिंदगी जीने की कोशिश करो, सादापन लैके आओ, अपने कामों प्लैन करो, कम लिखो और कामों अज जो कम प्लैन की अज ही खत्म करो ताकि जो दिमागी बोझ ना बने। गुरद्वारा सिंह सवार सीए वालों जिहड़ा कि हर साल गुरु श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के प्रकाश पुरब मनाया जाता है तो उन्होंने प्रकाश पुरब के जिहड़ा संबंध दे विच जो अगे हर साल कीर्तन दीवान सजाए जाते हैं, इस बार जिहड़ा आ वर्ल्ड कैंसर केयर वालों जिहड़ा आ कैंप उन्होंने असी पहला किया गया सी कि साढ़े गुरद्वारा साहब भी जिहड़ा कैंप लगाया जाए, तो जिहड़ा कैंप लगाउण दा साडा जिहड़ा मुख मंतव है ता कि अज जिहड़ा पंजाब दे विच जिदा पानी दूषित होण करके होर कई तरह दीआं मुश्किलां आउण करके जिहड़ी कैंसर की बीमारी आ उह बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उहदे बारे ता कि लोगों को जागृत किया जाए, तो उहदे जिहड़े टैस्ट ने कुछ कॉस्टली है कुछ लोग नहीं करवा सकते, तो गुरद्वारा साहब वालों जिहड़ा कि उहनां नाल कॉन्टैक्ट करके इत्थे उहनां नूं बुलाया गया ता कि उहनां दा फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़े आ उह टैस्ट किए जाण ते ता कि उहनां लोगों नूं उहदी बीमारी दे बारे जागृत किया जाए, तो जिहड़ा है भी कैंप के बारे नाल ही लोगों को उहदी बड़ी मदद की जा सकती है।
ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ RCF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ RCF ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਸੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ, ਤਪਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਦਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ RCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਇਹ